Okay students, so let us study about the first Daubernier triad. अब हम सबसे पहले Daubernier की triad के बारे में study करते हैं कि Daubernier ने जो अपने triads, it means the group of the three elements, तीन elements के group को जिसको उसने triads बोला, ठीक है, तो उसके बारे में हम discuss करते हैं कि first triad को उसने किस type से उनकी similar properties के according arrange किया. He placed the three elements, which is a lithium, sodium and potassium, in first triad. उसने अपने first triad में तीन elements को लिया. First is a lithium, second is a sodium and third one is a potassium. जैसे कि हम इन तीनों के बारे में जानते भी हैं, ये तीनों elements हैं, ये belong करते हैं with metals. ये metals को belong करते हैं. It means these all the elements have the same properties, मतलब इनकी same properties है, इनमें कुछ similarity है, and first similarity is that these all are the metals. It means these are electropositive in nature, ये अपने आप में electropositive भी है nature के, और अगर आप इसमें इनके atomic masses के बारे में बात करें, तो यहाँ पर Daubernier का जो rule है, जिस rule के basis पे उसने अपने triads को अरेंज किया, तो उसका रूल क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होना चाहिए, अगर हम इन दोनों का अर्थमेटिक मीन करें, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, इट मींस वो हमारे सेंट्रल एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के एटॉमिक मास के इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी. तो इस चीज को हम चेक भी कर लेते हैं. कैसे, हमने क्या किया, एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम विच इज गिवन हेयर, इट इज 7. नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ द पोटेशियम विच इज इक्वल्स टू 39. जब हमने इन दोनों का अर्थमेटिक मीन किया, सो दैट इज इक्वल्स टू द 23 विच इज एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट. सो Daubernier ट्रायड के अकॉर्डिंग हमारा जो ये फर्स्ट ट्रायड है ये बना, और इसी के बेसिस पे हमने Daubernier ने आगे और भी ट्रायड्स